ये एहसास हुआ कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी कायनात को अपने एहसास में किस तरह समो लेती है और खूबसूरत अखबारों की लड़ी में कैसे उसको हीरो देती है, वो अल्लाह का एक बड़ा बहुत बड़ा मौजूदा है। सही कह रहा हूँ, ये जो किताब आपके सामने भी आए उसमें 160 थीम इसमें ली गई है, लेकिन उसमें अप्रोक्सीमेटली ऐसी 400 थीम्स पे लिखा है। इसमें अल्लाह, अस्माउल हुस्ना, अल्लाह की मोहब्बत, सब्र व इस्तिकामत, दावत दीन, कायनात की खूबसूरती, अपना अपनी पर्सनालिटी, सोशल जो नॉर्म्स है, सामाजिक जो कोई भी जो ट्रेंड्स हैं, जिसमें औरतों के साथ किया जाने वाला ये जो बर्ताव है, पैट्रियार्कल सिस्टम, जिसके पुरुष प्रधान समाज में औरतों के साथ किया जाने वाला सिस्टम है, उसके बारे में उसने ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसे ऐसे मोटिव उसके दिए हैं कि इसको पढ़ने वाला इसको महसूस कर सकता है। और लंबा वक्त में अपने अल्फाजों को न देते हुए उसी के अल्फाजों को देख के बहुत छोटे से वक्त में उसकी किताब का इंटरेस्ट आगे हमें रखना चाहता हूँ। जो कुछ उसने लिखा है किताब में उसमें कुछ चीज़ें मुझे तकलीफ ये हुई कि उसने सिलेक्ट क्या किया है, उसमें कुछ चीज़ें मैंने सिलेक्ट की ताकि मैं आपके सामने उसको रख सकूँ, ताकि वो क्या लिखती थी वो आपके सामने आ जाए। सर बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, लेकिन वक्त कम है और मुझे तो किसान का हमें इस्तेफादा लेना है। छोटी छोटी बातें, रात की इबादतों के बारे में वो लिखती है, तहज्जुद की नमाज, ये छोटी बच्ची 20 साल की बच्ची तहज्जुद की नमाज के बारे में लिखती है। नाइट आई लॉस्ट माय सेल्फ यू फाउंड मी, मतलब वो रात थी जब मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, काया मुलल किया, वो रात थी जब मैंने अपने आप को खो दिया तो तुझे पाया। पूरी पोयम है फिर वो सब्र पे लिखती है, सब्र के बारे में उसने इतना अच्छा जो बातें लिखी हैं उसे इंडियन मीडिया ने उसको पब्लिश किया है, और वो सब्र सिखाने वाली उसकी अम्मी यहाँ बैठी है जिसने उसको वो सब्र सिखाया, जिसका रिफ्लेक्शन आज वो माँ बाप में हम देख सकते हैं। इतनी बड़ी बच्ची को खो देने के बाद सब्र क्या होता है, उसी माँ बाप ने जो अपनी बच्ची को सिखाया था वो करके दिखाया सब्र। उसके बारे में वो कहती है सब्र सिर्फ सब्र नहीं है, सब्र हासिल होता है हिम्मत से हासिल होता है, सब्र हासिल होता है हिम्मत से हासिल होता है, सब्र अकेला कभी टिक नहीं सकता, सब्र के लिए हिम्मत बहुत जरूरी है। और हिम्मत क्या है, अल्लाह की मसलहत को जानना, सब्र पूरी कोई उसने लिखी है इसके बारे में। उसने लिखा अल्लाह के बारे में, देखिए क्या लिखती है, छोटी सी बात लिखी है, उसके लिए मैं पढ़ता हूँ। मैं सुप्रीम लव को अल्लाह टाइटल, उसने दुनिया को हिम कहा, ही मतलब पुरुष लिंग दिया है, उसने कहा है कि आई मस्ट लव यू, अल्लाह को कहती है आई लूज हिम, मतलब अगर मैं तुझे मोहब्बत करती हूँ तो मुझे उसे खोना है, मतलब दुनिया को खोना है, बट आई लव यू, हाँ लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, अल्लाह को कहती हूँ, सो आई मस्ट लूज हिम, इसलिए मुझे उसे खोना है, इसलिए मुझे इसे खोना है। I love you, there, अल्लाह कहती है, अल्लाह शहीद शहादत देना, दावा ही देना कि तुझे हासिल करने के लिए, तुझे पाने के लिए मैंने उसे खोया है, लेकिन एक दिन उसे फिर से मांगूंगी तेरे पास आके। ये बातें उसने लिखी है अल्लाह के नाम। उसने रूह के बारे में कहा कि रूह क्या है, अगर आप रूह को पा लेंगे तो रूह मुश्क और अंबर और ऊद की आप में इन्हा खुशबू है। उसने कहा है इज एज गिव द रूह that resides inside you but the fragrance of musk, amber and wood. तो रूह के बारे में जिसका ये ख्याल हो उसकी पर्सनालिटी कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, वो समाज को महकाएगी नहीं तो और करेगी क्या। और ये वो उसको है जो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ताकत में कायम रहेगी। फिर वो कहती है अल्लाह के रसूल साहब में कहती है, बहुत अच्छी बात है, सुनिए क्या है अल्लाह के रसूल की परंपरा को जो लोग मानने वाले हैं उनके बारे में क्या कहती है। वैन ये मैं वो इंसान वो पुरुषों को कहती है, मतलब आप वोलेटाइल इन नेचर स्ट्रेंथ बर्थ ऑफ डॉटर योर क्लेम्स फॉर बाय योर लवर, जब आप बेटी के जन्म पे नाराज होते हैं गुस्सा होते हैं तो आपका अल्लाह के रसूल के ईमान का दावा है वो खोखला साबित होता है। वो कहती है बिकॉज मोहम्मद सल्लम, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अपनी लिगेसी को अपनी बेटियों से दुनिया तक पहुंचाया है। वो कहती है नॉट फ्रेजाइल, औरतों को कहती है खास नाम लिखे हैं, बस दो तीन बातें करके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ।
कहती है कि हाँ तारीफ की औरतों में औरतों के नाम लेकर कहती है माय माय हिस्ट्री एनलाइटन्स मी व्हेन आई हैव बीन पुट डाउन। जब लोग मुझे मुस्लिम औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो तारीफ गवा देती है। क्या गवा देती है? फातिमा ज़हरी, खदीजा बिन खालिद, आयशा बिन अबू बकर, रुफैदा अलस्लमिया, अलसिफा बिन अब्दुल्ला, लबाना और कोर्डोबा, सुबैदा बिन अबू ज़ाफर अलमंसूर, सुल्ताना रज़िया, आमिना और ज़रिया, सबीहा वकील, सफिया और सगील, उम्मी बरका बिन हारिस। ये नाम लिखती है, वो लिखती है, मतलब वो लड़की ने कितना पढ़ा है इसको देखिए। फिर लिखती है द नेक्स्ट टाइम यू कॉल योर लीड इंप्लेट योर नफ्स एंड डिटर योर मिनिस्ट्री, डिटर योर मिनिस्ट्री। जब दूसरी बार आप हमें छोटा समझें औरतों को, है ना, अपना नफ्स बड़ा करें और अपने दांतों को अपने होठों को चबाएं, तो याद रखिए दैट वी आर डेलिकेट फ्रेजाइल बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ योर रिब्स एंड केज। रिमेंबर, हम भले ही नाजुक करते हैं, आपके आपकी पसलियों से पैदा की हुई औरतें हैं, लेकिन हम वो औरतें हैं जो दूसरी औरतों को जन्म देती हैं, जो आज जैसे मर्दों को जन्म देती हैं। ये कुछ बातें लिखी हैं। फिर है अपने बारे में लिखती है, अपने बारे में है, उसके बारे में इसलिए लिखती है, उसके बारे में लोग यही जानते थे, जो उसने लिखा है वही लोग उसके बारे में जानते थे। वो कहती है आई हैव निडल इन माय स्किन, मतलब वो उसके नीचे के बारे में कहती है, एंड एसिड इन माई टन, मैं बहुत कड़ी बातें कहती हूँ, वो जलने जलाने वाली बातें कहती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बोलती हूँ तो लोग जलते हैं, बट उसमें कड़ी कड़वाहट होती है। एंड फॉलिंग ग्रेस इन माई आईज बट आई हैव गोल्ड फॉर ए हार्ट, मेरा सोने का दिल। जब ये लिखा तब, जब पढ़ते हैं तब नहीं है, जब उसने लिखा था तब वो थी। एंड ए डीप डीप ओशन फॉर स्मॉल, पर बहुत बड़ा दिल है दरिया के जैसा जिसमें मैं सबको समझ सकती हूँ। इस बच्ची ने जो कुछ भी किया अपने जाती मेहनत और वसीले पर किया और वो मुकाम हासिल किया, वो बेवक्त मुख्तलिफ सलाहियतों की और मुख्तलिफ मैदान की सलाहियतों की मालिक थी, जो कि अमूमन किसी एक आदमी में कम हुआ करती है। किसी एक आदमी में तैयारा किरदार बहुत शुक्र कर समझा जाता है, किसी का लिखने पढ़ने का जो एक किरदार है सलाहियत है वो बहुत उभर कर सामने आ जाती है, किसी के अंदर पढ़ाने की सलाहियत बहुत अच्छी उभर कर सामने आ जाती है, किसी के अंदर सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन और सुधार पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। कि हमें इस बच्ची के इस दुनिया से चले जाने से ज़्यादा हम इस बात है कि हम उस बच्ची की सलाहियतों से हम ऐसे उम्मत फ़ायदा उठा सके और अपनी उम्मत फायदा उठा सके। तो हमारे उम्मत के जो दर्दमंद और दिलमंद हजरात, जब कभी भी आने वाले वक्त के लिए मैं आपको एक ये तलकीन करके जाता हूँ, ये बात एक सुझाव देकर जाता हूँ कि इस तरह के बच्चे और बच्चियाँ जब सामने आए तो उनको उनके हिसाब से चलने देने के बजाय उनको अहले फिक्र और अहले दर्दमंद हजरात के रबते में लाकर उनकी सलाहियतों को मजीद निखार पैदा करने और उनके लिए अच्छा माहौल खिदमत का फराहम करने के लिए फिक्रमंद हम सब होना चाहिए, ताकि ऐसे बासलाहियत हजरात से बच्चों और बच्चियों से पूरी फायदा हो जाए। मेरी और आपकी तमन्नाओं को पूरा करना है, इस बच्ची के जो ख्याल जो इस किताब के अंदर मौजूद हैं अल्लाह ताला उन ख्याल को चार भाइयों सबसी पहली दिल्ली की रजिया, हमारा चार भाइयों पहली बार इतने खूब अच्छे नामकरण की दरिक ने बात की है कि हमारे घर की जो पीछे टिकरी होती है हमारी टिकरी हो उनका दरमियान का અને રવાવામાં સતત હરી પાઈ થાય એટલી પ્યારી, અને પછી થોડાક સમય જ રહીને ભારતમાં પછી એના વાલિદ અને વાલિદા સાથે સૌદી અરેબિયા જતી રહી, ત્યાંથી પછી મસ્કત ગઈ અને હમણાં થોડા સમય પહેલાં જ પછી ભારતમાં ફરી ગયા, ભણી તો ઘણું ભણ્યું અને શીખી તો ઘણું શીખી, પણ અમને પણ એના ઇન્તકાલ પછી જ ખબર પડી કે
કયા પ્રકારો શીખી એને જે કવિતાઓ લખી છે અંગ્રેજીમાં એ આ 500 તો આપને ખ્યાલ આપશે કે એને એના હૃદયની ઉર્મિઓને હૃદયની સંવેદનાઓને કેવી રીતે વ્યક્ત કરી અલગ અલગ વિષયો અલગ અલગ પ્રકાર અલગ અલગ ડાયવર્ઝન સાથે એને જે લખ્યું છે એ આપના પાસે આવે એ બુક તો આપ એને જોશો તો આપને ખ્યાલ આવશે કે આટલી નાની ઉંમરમાં આટલી નાની છોકરી આવું બધું કેવી રીતે લખી નાખી રહ્યા છે. રાહિલા જો હે ઉસકી જિંદગી કુછ ખુશ ખુશી નમાયા ભી મેં આપકે સામને કુછ બાતો રખના ચાહતા હું કે જો હે ઉસકા દિલ હરે કી લીએ સા પહેલી બાત જો હે ઉસને નમાયા ભી ઉસકા દિલ હરે કી લીએ સા यानी जो उसके ऑपरेशन वाले थे यानी किसी के साथ जो है उसकी जो है अनबनी हो जाती थी तो उसका दिल हर एक के लिए था और ये सिफात जो है कुरान पाक में कहते हैं अल्लाह वाला अल्लाह तआला की सलीम यानी कलबे सलीम लेकर आए थे यानी उसका दिल यानी उसके लिए किसी उसके दिल के अंदर किसी के लिए ना कुछ थी ना अदावत थी ना किसी के लिए जो है कदरत थी उसके दिल के अंदर. उसकी दूसरी बात जो फरमाया थी फरमाया कि जो है वो हर चीज़ को कुरान के अंदर ढूंढती थी जैसे भी हालात आते थे फरमाया कुरान के अंदर जो है अपना सुकून ढूंढती थी. उस दिन जब उस पर जो है कुछ ऐसे जो है टेंशन वाले माहौल आता था तो सूरह इब्राहिम का खुसूसी तौर पर जो है वो जो है उसको पढ़ती थी उसको बार बार पढ़ती थी. एक मरतबा नहीं दो मरतबा नहीं तीन मरतबा जब तक उसको सुकून न मिलता सूरह इब्राहिम को पढ़ती रहती हम तक उसको सुकून मिल जाता तो दोबारा अपनी घरों के लौट आती थी. तो माशाल्लाह कुरान की जगह अपने जो है मसाइल को हल करना ये हमने उससे सीखा कि माशाल्लाह वो अपने मसाइल को अपने कमरे में जाकर बैठ जाए तो बार बार पढ़ती थी सूरह इब्राहिम को. सूरह इब्राहिम के अंदर इब्राहिम अलैहि सलाम की जो दुआएँ हैं और जो अच्छे कलमात हैं अल्लाह ताला ने उसकी जो है साथ बयान किए कि अच्छे कलमात की क्या मतलब है और बुरे कलमात कैसे हैं उसमें बार बार वो खबर लेनी जो जिन तरीके वाले इसलिए उसी उसके अंदर जो है जो है जो बात फरमाया थी फरमाया कि जो है वो उसका जो ट्रीटमेंट था हर एक के लिए बच्चों के लिए जानवरों के लिए उसके दिल के अंदर बहुत मोहब्बत रखी हुई थी. हत्या के छोटे छोटे जानवर जो कभी मरते मिल जाते रास्ते के अंदर उसको अपने घर में लेकर आ जाता थी और उसको जो है उसको दोबारा उसकी फरमाया कि उसको ट्रीटमेंट करके उसको वापस रखकर आते. हत्या के लास्ट टाइम लास्ट रमजान का एक जो किस्सा है कि हमारे घर में छोटा सा जो है गिलहरी का बच्चा आ गया मौत के करीब था वो घर में ले